नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप टेक्नो कैमन के फ़ोन में किस तरह से आप वॉलपेपर की सेटिंग कर सकते हैं। वॉलपेपर सेट करने के लिए आपको यहां पे इस तरह से सबसे पहले तो होल्ड करके आप नॉर्मली यहां से भी कर सकते हो, लेकिन जो भी बताता हूं मैं बिल्कुल जेन्युइन बताता हूं, तो यहां से करने का कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है ना कि आपको ये थीम वाला जो आइकन दिख रहा है ना, थीम पे चले जाना है। थीम पे जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है और एग्री कर देना है। आपको यहाँ पे वॉलपेपर मिल जाता है। वॉलपेपर में आपको यहाँ पे सारे के सारे वॉलपेपर मिलते हैं, जैसे कि डाउनलोड जो आपके यहाँ पे सिस्टम के डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, वो सिस्टम डिफ़ॉल्ट भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे लाइव वॉलपेपर में तो अभी कुछ है नहीं, तो यहाँ पे गैलरी से भी ले सकते हो। जैसे गैलरी से अगर नहीं है कुछ, तो यहाँ से कोई फ़ोटोज़ कैप्चर करके और यहाँ पे बैक करके और यहाँ से ये फ़ोटोज़ भी ले सकते हो। ओके, अब यहाँ से चूँकि हम ऐसा तो कुछ फ़ोटो लगानेंगे नहीं, तो हम अगर यहाँ से अगर डाउनलोड करके लगाना चाहें तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कैटेगरी वाइज आपको वॉलपेपर मिलते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड। तो जैसे मुझे स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स वाले में चला जाता हूँ। इसमें देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको वॉलपेपर मिल जाते हैं। किसी भी तरह आपको इसमें बहुत सारे वॉलपेपर मिलते हैं। किसी भी वॉलपेपर को करने के लिए सेट वॉलपेपर पे करना होगा, ओके करना होगा, ठीक है। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करोगे। अब आपसे पूछेगा होम स्क्रीन पे लगाना है, लॉक स्क्रीन पे लगाना है या दोनों पे लगाना है, तो मैं दोनों पे लगा देता हूँ। किसी एक पे लगाना होगा आपको तो किसी एक पे लगा दीजिएगा। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।